मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया? क्या ये शोभा देता है? क्या शोभा देता है? क्या इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा, इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है, यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है, सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए, इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। साथियों, पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं और हालात देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं
भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। साथियों, मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भी अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। साथियों, मैंने हमेशा कहा है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मेरी भावना है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नवादा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा ने हमारे साथी मित्र विवेक ठाकुर जी को उम्मीदवार बनाया है। उनको दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। 19 अप्रैल को कमल छाप, उस पर दिया गया हर वोट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। आप यहां से जाकर नवादा के जन जन तक मेरा प्रणाम भी जरूर पहुंचाइएगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।